हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज आपके लिए हम लेके आए हैं चिपिंग मशीन, जो कि डीवाई के ब्रांड से आती है। और ये चिपिंग मशीन एंटी वाइब्रेट सिस्टम है, जो कि 1950 वैट की आती है। आइए आज हम इसको अनबॉक्सिंग करके बताते हैं। गाइस, इसका मॉडल नंबर है D5BEE015XB और ये फुल वाटरप्रूफ मशीन है और डस्ट प्रूफ मशीन है। इसका वैट आके 1950 वैट से आती है और ये एंटी वाइब्रेट है। चलिए तो हम अनबॉक्सिंग करके बताते हैं। ये देखिए गाइस, ये 7 kg की चिपिंग मशीन है, जो कि डीवाई के ब्रांड से आती है। और इसके साथ दो चिजल मिलते हैं, जो कि एक फ्लैट और एक पॉइंट रहता है। तो आइए दोस्तों, आज हम इसको रिव्यू करके बताते हैं ये कैसे काम करती है और इसका क्या क्या फंक्शन है। तो दोस्तों, ये डीवाई के ब्रांड से आती है, 1950 वैट की रहती है और ये एंटी वाइब्रेट मशीन है। तो दोस्तों, इसके साथ में आपको मिलता है ये ग्रीस स्पैनर और ये ग्रीस टूप है और ये दो चिजल है, जो कि फ्लैट और पॉइंट में आते हैं। और आपको इसमें एक वारंटी कार्ड मिलता है, साथ में आपको एक एक्स्ट्रा स्पेयर ओरिजिनल स्पेयर मिलता है कंपनी की तरफ से। और ये DYK का मैनुअल है, जो आप इसको देख के आसानी से बिट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए आज आपको मैं बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं और ये किस तरह से यूज़ होती है। तो दोस्तों, ये मशीन है, हमने निकाल लिया ये फ्लैट चिजल, जिसको हम 11 चिजल बोलते हैं, जो कि ये 11 बॉश में बैठता है। सेम चिजल DYK में भी बैठता है। तो दोस्तों, इसको ऐसा प्रेस करके, और इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है और इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ता है और ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है, जैसे कि ऐसे। और दोस्तों, इसमें एक और सिस्टम दिया हुआ है, जो कि बॉश मॉडल में आता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये फ्लैट चिजल है, अगर हम इसको इसका पोजीशन टर्न करना चाहते हैं दूसरी पोजीशन में, तो इसको हम ऐसे पुश करके और इसको ऐसा हम अपनी पोजीशन में ला सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम जो भी एंगल में काम करना चाहते हैं, वो एंगल में काम आसानी से कर सकते हैं। मान के चलो, जैसे कि हम इस एंगल को चेंज करना है, दूसरे मशीनों में चेंज नहीं होता है एंगल, तो ये DYK मशीन में एंगल को आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपको करके बता रहा हूँ। ये देखिए, इसको आपको सामने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में इसको एंगल को ऐसा चेंज करना है। ऐसा प्रेस कर लिया और इसको ऐसा लॉक कर दिया दोस्तों। अभी ये लॉक हो गया, अभी ये इस एंगल में है। तो आपके लिए अभी हम बताते हैं इसका रिव्यू कि कैसे ये यूज़ करते हैं इसको और किस तरह से ये काम करती है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ग्रीस को कैसे लोड किया जाता है। इसका जो स्पैनर दिया हुआ है दोस्तों, इसको यहाँ पे कैप है, इस कैप में ऐसे डाल के और इसको लेफ्ट साइड घुमाया जाता है, तो इसका ग्रीस टैंक ओपन हो जाएगा दोस्तों। इसमें ग्रीस टोटली लोडेड आती है कंपनी से, हमको इसमें ग्रीस पूरी तरह से फुल नहीं भरनी है दोस्तों। जैसे कि अभी कंपनी दी है, उतना ही ग्रीस को मेंटेन करना है। तो दोस्तों, इसको हम कस लेते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ दो चीज़ें मिलती हैं, एक है फ्लैट, जो कि फ्लैट चिजल बोलते हैं इसको, और ये आती है दोस्तों पॉइंटेड, जो कि सामने से पॉइंटेड शेप में रहती है। तो दोस्तों, इसके दो चिजल के साथ में आपको ये ग्रीस कैप ट्यूब भी मिलता है, जो कि ब्रांडेड ट्यूब आता है कंपनी से। आप इसको आसानी से टैंक में लोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको मैंने बोला था कि इसमें कार्बन भी आता है, तो ये कार्बन है कंपनी का, जो कि ओरिजिनल है। इससे बिल्कुल जीरो स्पार्किंग रहती है। अगर आप कहीं मार्केट से दूसरा कार्बन लेके डालते हो, तो उससे क्या होता है, आर्मेचर स्पार्किंग आने का प्रॉब्लम रहता है। तो दोस्तों, DYK की तरफ से मिलता है 6 मंथ का वारंटी कार्ड, जो कि इसकी आर्मेचर की वारंटी 6 मंथ रहती है। अगर आर्मेचर में स्पार्किंग आने से, इसको कंपनी वारंटी में रिप्लेस करती है। और इसका यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड में आपको वारंटी कैसे क्लेम होती है, उसकी आपको पूरी जानकारी दी जाती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, देर किस बात की, अभी हम आपको इसको
चालू करके बताते हैं कि ऐसे ये कैसा काम करती है। तो चलो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि इससे रिलेटेड है, और ये काम कैसे करती है, किस फंक्शन में काम करती है, और इसका प्रेशर क्या रहता है। और दोस्तों, इसमें एक और सिस्टम दिया हुआ है जो कि मैं भी आपको बताया नहीं है, ये एंटी वाइब्रेट सिस्टम है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक स्प्रिंग दी हुई रहती है जो कि इसको कैसे ऑब्जर्व करती है। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं इसका टेस्टिंग कैसे टेस्ट करते हैं। इसमें दोस्तों, हैंडल का दो एंगल दिया हुआ है, जैसे कि आप कैसे भी इसको हैंडल को टर्न कर सकते हैं, या आप इसको राइट में ले सकते हैं, या फिर आप इसको लेफ्ट में लेकर काम भी कर सकते हैं। जैसे आपका एंगल सेट होता है, उस एंगल से आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए कैसा काम करती है ये। ये देखो दोस्तों, ये दोस्तों पत्थर है, इस फिर भी इसमें बहुत काम कर रही है ये, और इसमें बिल्कुल वाइब्रेट नहीं आ रहा है, जैसे कि अपने बॉडी को बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रही है। ये एंटी वाइब्रेट सिस्टम इस काम के लिए दिया जाता है कि ये काम करने वाले की बॉडी को वाइब्रेट ना करे। तो दोस्तों देखिए, मशीन हैमरिंग मार रही है पर बॉडी को बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रही है। इससे आपको एक यूज़फुल होता है कि आपको पेन नहीं होगा बॉडी में, दिन भर भी अगर ऐसे काम करोगे तो उसमें आपकी बॉडी में पेन नहीं आएगा दोस्तों। तो ये कस्टमर के लिए बड़ी यूज़फुल प्रोडक्ट। तो दोस्तों, मैंने आपको इसकी टेस्टिंग करके बता दी है कि ये कैसे यूज़फुली काम करती है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल सोशल मीडिया पावर टूल्स को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।